बहुत प्यार करने का शौक है ना तुझे, अब ऊपर जाके प्यार करना। देखो कुणाल, 2 महीने पहले तुम मिले, तुमने मुझे अदिति के बर्थडे पार्टी में देखा, तुम सामने से आए और मुझे अप्रोच किया, देन हमारा रिलेशनशिप एंड ऑल। देखो बेबी, तुम गलत समझ रही हो, आई लव यू ना। फिर ये तुम्हारी घुमाने वाली बातें, पर इस बार मैं तुम्हारे बातों में नहीं आने वाली। तुमने मुझे चीट किया है, तुम वो लड़की के साथ रील बना रहे हो, सत्यानाश, घूमने भी जा रहे हो, फोटोशूट भी किया तुमने। तुम्हें क्या लगता है मैं स्टुपिड हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? अरे यार नताशा, ऐसा कुछ नहीं यार, वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है और कुछ नहीं। जस्ट शट अप कुणाल, तुमने उसे सेम वाली टॉप गिफ्ट की जो तुमने मुझे भी किया था, ये तुमने सही नहीं किया कुणाल। अरे यार वो एक पर एक फ्री थे, दोनों अच्छे लगे तो ले लिया, अब तुम दोनों पहनती क्या? अरे यार तुम तो, अरे यार भरोसा करो मेरा। बात भरोसे की नहीं है कुणाल, तुम्हें समझना होगा। तुम अगर प्यार करते हो मुझसे, मैं प्यार करती हूँ तुमसे, फिर किसी चीज को छुपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है तुम्हें? रश्मि, मैंने कुछ नहीं छुपाया तुमसे, नताशा सिर्फ मेरी दोस्त है, मैं उसे अदिति की बर्थडे पार्टी में मिला था, बस थोड़ी बातचीत हो गई थी। एक्चुअली ना उसे तो तुमसे काम था, उसे ना बैंकिंग की नोट चाहिए थी। शिट, मैं तो बताना ही भूल गया। और तुम्हें भूले हुए 2 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हें इतनी सी बात का पहाड़ बनाना है क्या? बोलो, झगड़ा करना है क्या? आवाज ऊंची करने से आवाज दबती नहीं मेरी, समझे कुणाल? तो बोलना क्या चाहती हो, तुम्हारे आंचल के साये में लिपटा रहूं मैं? मैंने ऐसे नहीं बोला कुणाल, तुम्हें समझना होगा, तुम्हारी ऐसी हरकतों की वजह से किसी को हर्ट होता है। तो तुम ही बताओ हीर, क्या करूं? 2 साल हो गए हमारे रिलेशनशिप को, सोचती हूँ अब तो आप में मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। आपको क्या लगता है हीर, हम हर पल आपके ही है और आपके ही साथ है, हम एक डांस स्टूडियो चलाते हैं तो लड़कियों के साथ बॉन्डिंग बना के रखना पड़ता है, आपको तो पता होना चाहिए। पर ये बॉन्डिंग ना कभी डांस स्टूडियो तक रही नहीं और ना कभी तुम सुधरे, तो इसे अब खत्म करने का वक्त आ गया है। क्या मतलब?